करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि इन फिगर 2 अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ सेंटर ओ इन सच अ वे दैट द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए टचेस द सर्कल एट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने डायग्राम बना रखा है पहले से, तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और गिवन में हम इस क्वेश्चन को भी समझ लेंगे कि क्या दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हम लिख लेते हैं इस बात को, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ सेंटर ओ। और यहां पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो अभी इसको करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे जो गिवन है वो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ए बी है वो ए बी प्लस सी डी ये बराबर है बी सी प्लस ए डी के या फिर डी ए के। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल देयरफोर। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मतलब अगर जैसे कि ए पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, तो ये टेंजेंट मतलब ए पी जो है वो ए एस के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर बी से पी और बी से क्यू देखे तो ये टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों का जो लेंथ है ये भी इक्वल हो गया। इसी तरीके से सी से और डी से जो टेंजेंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो यही बात हमें लिखना है यहाँ पे कि जो ए पी है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिख दिया है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इसी तरीके से ए पी है तो ए पी के साथ अगर हम बी पी को रखें तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी पी है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि बी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, तो मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फिर इसी तरीके से अगर हम सी पॉइंट से देखें तो सी आर और सी क्यू, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि ए बी के साथ में हमको सी डी रखना है, तो और सी डी में एक सी आर लेना है और एक डी आर लेना है, तो सी से आर को अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि सी से जो आर है और जो क्यू है ये एक टेंजेंट बन रहा है, तो इसीलिए सी क्यू सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। और अगर हम डी पॉइंट से देखें तो डी आर, तो यहाँ पे डी आर ये हो जाएगा डी एस के, डी एस ये हो गया इक्वेशन 4। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, फिर है प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू। तो मतलब ए पी बी पी सी आर और डी आर ये एक तरफ है, तो हम इसको एक तरफ ऐड करेंगे, और ये दूसरी तरफ है ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस, तो ए एस के साथ में डी एस और बी क्यू के साथ में सी क्यू हम ऐड कर सकते हैं, मतलब चारों को एक तरफ हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी ये हो जाएगा ए बी,
तो यहाँ पे ये आ गया ए बी प्लस सी आर और डी आर, तो सी आर और डी आर, तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू ए एस और डी एस, तो ये हो गया ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, जो बी क्यू और सी क्यू है ये हो जाएगा बी सी। तो जो हमको प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, तो ये प्रूफ हो गया। इसको हम एक बार और जैसा दिया हुआ है, मतलब जो हमको प्रूफ करना था जैसा लिखा हुआ है वैसा हम एक बार और लिख देते हैं। तो जो ए डी और बी सी है तो बी सी को हम आगे रख देंगे, और जो ए डी है, ए डी एंड डी ए ये दोनों सेम है, तो इसीलिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, तो ये प्रूव्ड हो गया। अभी यहाँ पे देखना ये कि जैसे अगर ए पी और बी पी, ए पी और बी पी क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसके साथ हमें ये रखेंगे तो ये दूसरी तरफ चले जाएगा, और जो बी पी है इसके साथ हम बी क्यू रखेंगे तो ये दूसरी तरफ चले जाएगा। तो हमें इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जैसे ए पी और बी पी जब हम ऐड करें तो ए बी आ जाए, और सी आर और डी आर अगर हम इसको एक जगह पे रखें तो ये सी डी आ जाए। तो जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम ध्यान में रख के एक तरफ हम सीक्वेंस बना लेंगे, और उसी के अपोजिट जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा उसके बराबर हम रख देंगे और सबको फिर ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके इसको प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।